हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, लगभग 2 बज गए हैं और सूरजदेव बहुत ही अच्छे निकले हैं। पूरा चारों तरफ धूप ही धूप देख सकते हो ना, इतना अच्छा लग रहा है। और आज दोस्तों बहुत ही बाहर धूप निकला है, बहुत ठंडा था। काफी सुबह में बहुत ज्यादा ठंडी था ना, तभी मिट्टी को ये कपड़े सुबह में वाश बरस रही थी, मतलब जिम हो रहा था। तो जया जी, ये जो गिफ्ट वाला हमारा मिला था ना, इसको पहन, गिफ्ट वाला हमारा आया था। बिट्टी मम्मी के पास जाओ, हमारे पास क्यों आ रही है? मम्मी के पास से छोड़ करके हमारे पास आ बेटा, पापा नहीं लेंगे सही से। हम लो पकड़ो, मम्मी को भूल गई इटिया, बहुत खराब है, हमारी कमी से जाती है। पापा के पास जाएंगे बेटा। तो आज क्या होगा फिर, क्या करेंगे बताओ? आज क्या करेंगे? चने का साग खाएंगे। चने का साग? हाँ, चने का हमने खाया बेटा, चने का साग। दोस्तों आज हम लोग बनाएंगे, क्योंकि आप देखे होंगे हम पूरा आम नहीं मान रहे। आज आप ले ले, पूरा सीजन निकल गया दोस्तों, हम चने का साग नहीं बना पाए और नहीं खा पाए, क्योंकि इस टाइम में थोड़ा सीजन ज्यादा, काम ज्यादा रहता है और रात में भी काम रहता है, दिन में तो रहता ही है। तो आज जाएंगे और इधर आसपास साग है ही नहीं, क्योंकि पूरा चारों तरफ गेहूं बोया है। इधर नहीं है, इधर नहीं है, थोड़ा दूर पे है, तो वहीं से लाना पड़ेगा ना। हाँ जी। तो हम अकेले चले गए, तुम चलोगे? हम चले, तुम मत जाओ, अकेले हम जाते हैं। अच्छा। तोड़ लाएंगे ना। हाँ, तो घर पे भी काम है ना, तो तुम घर का काम कर लो, हम ले आएंगे। अच्छा, ठंड का भी टाइम है, देखो हमारी का नियम खेल रही है। तो फिर हम जाते हैं, तो हमको दे दो ढलैया लेके, दे दो तोड़ने के लिए। अच्छा, दे दो। नहीं, ढलैया रहने दो, वो दे दो। ये पन्नी झोलिया कोई हो तो दे दो, उसे मिला के लेकर आएंगे। इसमें आलू आई थी ना, हम हाँ ठीक, पानी पानी कुछ डलैया लेकर के नहीं जाएंगे, क्योंकि डलैया में कहाँ टांगते फिरेंगे, वहीं पर साग खाएंगे और तोड़ करके भी लाएंगे। हाँ, नमक दीदी क्या ये सरक रही ना? हाँ हाँ हाँ, नमक नमक दे दो और मिर्चा दे दो। हाँ जी, लाते हैं मिर्चा नमक दे दो हमको, और साग भी खाएंगे। और हम लोग पहले छोटे में बहुत जाते थे साग खाए दोस्तों, कच्चा साग अच्छा लगता है, कच्चा साग खाने में बहुत अच्छा लगता है। आज तो खाएंगे और ज्यादा लेकर के आएंगे ना। हाँ, तो हमको भी बहुत अच्छा लगता है। तो एक दो ठो मिर्चे, दो मिर्चे दे दो, भरे नहीं है, सादे वाले दे दो, नमक डाल दो, कागज नहीं है क्या? नमक ले लेते हैं और फिर वहीं पर खाएंगे खेत में, ना? हाँ जी, खेत में बहुत अच्छा लगता है। हम सबसे कड़ू नमक बांट के ले जाते थे, फिर खाते थे, अच्छा लगता था। ये बढ़िया वाला नमक है ना, पूरा धनिया मिर्चा। हाँ। और सारा सब कुछ मिक्स है इसमें, धनिया मिर्च सब मिक्स है, सारा कुछ है। इतना नमक हो जाएगा हमारे खाने बस के लिए ना। मिर्च लाते हैं? हाँ, मिर्च दो ले आओ। हाँ। इसी में बांध देना, चार एक तरफ बांध दे। हाँ ठीक है बेटे, तुम साग तोड़ने चलोगी? हाँ, साग तोड़ने चलोगी? हाँ, चलते, लेकिन ठंडा कौन खाने, आज नहीं जाएंगे, मिट्टी जला जाएगी। दो ठो बस दो। हाँ, दो 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 ही बहुत हो, बढ़ा जाएंगे तो दो ही बहुत होते। हाँ, तीखे बहुत है, बहुत कड़वे हैं। नहीं रहने दो, हम डालेंगे जेब में, वैसे रख दो, ऐसे रख दो, रख दो ऐसे। पन्नी कौन सी दिया है? कौन वाली पन्नी? ये हाँ हाँ, ये पन्नी फाड़ा फाड़ना मत बेटा, लाओ इसमें डाल दो, डाल दो इधर। नहीं जाते क्या? नहीं रही, नहीं जाते, रुको हम नहीं लेते हैं। हाँ, जा मम्मी, जा जा मम्मी के पास, मम्मा करी। चलो बेटे, हम जा रहे हैं साग लेने के लिए। बाय बाय। बाय बाय बोलो। बाय बाय, हम जाते हैं, तोड़ करके लाते हैं। और आज टाइम भी नहीं बचा ना, है जल्दी आना। हाँ, जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी फटाफट निकलते हैं खेत के लिए और पैदल ही जाएंगे, थोड़ा दूर पे है। पानी लग गया है यहाँ पर पूरे खेत में, इधर भी लग गया है। तो दोस्तों, ये रहा चने का खेत, देख सकते हो काफ़ी बड़ा है, और इधर गेहूँ भी बोया है। पहले इधर चना ही चना बोया जाता था, लेकिन जब से बोर हो गया है तो ज़्यादातर गेहूँ बोते हैं लोग, और चना कम बोते हैं। एक ही खेत में चना है, यहाँ पर भी थोड़ा बड़ा बड़ा हो गया, खाने लायक तो है। तो इधर ही दोस्तों तोड़ेंगे हम और खाएंगे, और आप लोग भी खा जाइए साग। और पहले तो खाने का टेस्ट लेंगे, बाद में तोड़ेंगे घर के लिए। इसको सूखी खाते हैं ज़्यादातर के, बहुत ज़्यादा सूखी पसंद है खाने में।
नमक लेकर क्या नमक निकाल लेते हैं, नमक और मिर्चा। तो चलिए दोस्तों खा लिए, पहले झुरिया बांध लेते हैं घर के लिए, तोड़ लेते हैं, फिर बाद में थोड़ा सा और खा लेंगे, फिर निकाल लेंगे घर के लिए। टाइम भी मतलब अभी ज़्यादा इस टाइम में हो जाता है ना, जल्दी शाम हो जाएंगी, तो फटाफट हम भी तोड़ते हैं और घर जाते हैं। अब दूसरा खेत में आ गए हैं, देख सकते हो ये कितना बड़ा खेत है, पूरा इधर से उधर तक पूरा बड़ा वाली खेत है। उधर क्या है ना कि छोटा छोटा था, इधर थोड़ा बड़ा बड़ा है, तो इधर तोड़ेंगे और झोरिया भर लेते हैं। अभी थोड़ा ही झोरी में हमारे हुआ है, तो एक झोला तोड़ लिए हैं, देख सकते हो दोस्तों पूरा भर गया है, थोड़ा सा खा लिए लेकिन इतना हो जाए क्योंकि हम दो ही लोग हैं तो हो जाएगा इतना। तो चलिए दोस्तों अभी चलते हैं घर और इसको बनाते हैं, इसका मस्त साग और बहुत ही अच्छा बनता है दोस्तों। तो अभी निकलते हैं घर के लिए कुछ उधर, और ये रेहर वाले खेत है, और ये वाले हम पहले हम थोड़ा सा तोड़े थे, इसमें ज़्यादा नहीं, इसमें थोड़ा थोड़ा सा मतलब छोटा है और बीच बीच में ज़्यादा हाई भी नहीं, तो पीछे चले गए थे उधर। तो चलिए दोस्तों अभी घर चलते हैं और घर में सीधा ये साग को हम बनाते हैं। क्या कर रही हो? हाँ, ये खोलो पर्दा खोलो। खोल तो। कहाँ बांधा है क्या? यहाँ से जी। अरे उल्टा घुस गए। उल्टा घुस गए। बंद कर दो। लो देखो इतना साग है, हो जाएगा कि नहीं होगा इतने में? हमको लग रहा है कम पड़ेगा। बहुत है जी, हो जाएगा ना। उड़ेल देते हैं मछलियाँ। हाँ उलेट दो। बेटा हमारा बाबू क्या कर रहा है? खेल रही है। बटो बेटा खाना नहीं, खाना नहीं। बेटा को साग मत देना, साग मत देना, नहीं तो खा लेगा। तुम्हारे खाने के लिए नहीं बेटी, उड़ेल लेते हैं उसको। पैके के बाद में खिलाएंगे। कैसे भागे? हाँ उलेट दो। अरे बेटा छोड़ो बेटा, इतना हो जाएगा ना। हाँ जी खा ले, खा लो। हम बहुत खाए उधर और ये काफी अच्छा रहता है दोस्तों कच्चा खाने से ना। हाँ कच्चा भी खाते हैं हम, खूब खाते हैं। क्या है बेटा? दो मिर्च और पूरा नमक उधर ही खाया है, नमक से बच गया था, नमक होगा तो बनाओ फिर। चलो बनाओ जल्दी से, टाइम हो रहा है ना। हाँ फटाफट बना लेते हैं और नहीं तो अंधेला हो जाएगा आज भी। अभी तो सूरज देव दिख रहे हैं, देख सकते हो। ले आओ सामान और बना लेते हैं फटाफट। तेल नहीं है जी। हाँ तेल नहीं है। तेल नहीं है, दिखाओ। नहीं है तेल, नहीं याद नहीं था तुमसे बताने के लिए, तेल नहीं है। इतना थोड़ा सा इतने में होगा नहीं ना। हाँ इसमें छौंका लगा तो बहुत अच्छा लगता है। सारा मेहनत बर्बाद हो गया। हम बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दिए कि मतलब तेल नहीं है। बताओ अभी टाइम भी नहीं है दोस्तों कि हम तेल ले आए मतलब बाजार जा करके, और तेल भी घर पे नहीं, एकदम ख़त्म हो गया। और क्या है, कुछ चावल वावल है? अब तो ये बनेगा नहीं। हाँ, ये चावल चढ़ा लो ना, चावल चढ़ा लो। चावल भी नहीं, चावल नहीं है। नहीं ये देखो, ये शक्कर है। नहीं ये देखो, इसमें चलो हो गया काम दोस्तों। और चाहिए तेल तो है नहीं है, साग आज बन नहीं पाएगा, और चावल भी घर पे नहीं, चावल तो थे ही नहीं, कई दिन से बना ही नहीं। हाँ, कई दिन से नहीं। तो आटा तो है। हाँ, आटा है। रोटी बना लो? रोटी बनी रखी है जी पहले से। बनी है? हाँ, चलो ठीक है। आटा दोस्तों अभी हमारे घर पे रोटी रखी है, तो रोटी है लाए क्या? रोटी अभी मत लाओ, इसको खा लेते हैं पहले। अच्छा बाद में खा लेंगे रोटी। नमक ले आओ और नमक मिर्च खा लेंगे।
नमक मिर्च के साथ में इस साग को खा लेते हैं। अच्छा मैं इसको रख कर हाँ रखिए हम भी खाएंगे हमको अच्छा। हमें पता नहीं था नहीं तो हम जाते ही नहीं तोड़ने पता हाँ, होता तो नहीं जाते नहीं था जी कि हम बता दे सकते हैं मिर्च कहाँ है ये रखें मिर्च रख लेते हैं। बताओ अब तो कल पहले बाजार जाना पड़ेगा सुबह ना चले जाना ये तो गांव में मिलते होते वहां तो चलते बाजार में जाना गांव में बहुत महंगा देते हैं इधर। अच्छा हां कल सुबह सुबह दोस्तों बाजार जाएंगे और पहले पूरा सामान लेकर के आएंगे और इतना सा तेल है ना उसमें हाँ, इतना तेल में नहीं होगा क्योंकि ये साग में ना जब तक अच्छे से तेल से छौंका नहीं लगाए ना तब तक नहीं तब तक अच्छा नहीं लगेगा ना तो बना के ही क्या फायदा है। भतुआ का साग ऐसे ही बन जाता है इसमें उसमें भी मतलब ना लगाओ तो अच्छा लगता है जी पूरा नहीं खाएंगे सब्जी कल बना लेंगे इसको हां रख दो वाला कर दो थोड़ा सा खाएंगे तो खाएंगे रख लेते हैं बाकी इतना खा लेंगे हां बस करो बाकी रख दो इतना बना लेंगे जब कल तेल आएगा। चलो दोस्तों अभी जब लेकर के आएंगे उतना बना लेंगे इतना हम खा ही लेते हैं ऐसे करके नमक लगा के हम बाद में खाएंगे हम ऐसे खाएंगे। बिटिया देख रही है खा के उठ जाएगी ये हम तो सोच रहे थे बढ़िया बनाएंगे साग और खाएंगे मजा आएगी हम ऐसे खाते हैं देखो हाँ तो तुम अब इसमें नमक भी देख लेना कीड़ा होता है इसमें छोटा छोटा बेटा कितने दिन तक क्या पकाएंगे ये चाबी दे दो जी खेले ले बेटा खेले बिगड़ डाल रही है क्या आप जी आजा आजा ठंडी लग रही है और जया जी अभी भी खा रही है फटक फटक के देख करके खाना वो जीरो ही होती है और बहुत ही मस्त लगता है। हम तो खेत में भी खाए हैं जया जी खेत में नहीं खाए हैं तो कल सुबह सुबह सबसे पहले सुबह तो मुश्किल है क्योंकि सुबह पे काम रहेगा सुबह मुश्किल है दोपहर में ही जाना पड़ेगा दोपहर में जाएंगे दोस्तों सामान ले करके आएंगे सामान हमारे घर पे नहीं है और क्योंकि कल सुबह में भी काम है तो कल सुबह में काम जाएंगे हम जाते हैं बाहर आ जाओ खोरा ले आओ धनिया टोल लेंगे पर्दा को अब हटा दो तो हम हटा दे हटा दे ये वाली तोड़ नहीं वो वाली क्या धनिया वो वाली तो लेकिन बड़ी है हाँ तोड़ लो इधर की बड़ी बड़ी हो गई हाँ बाजरे का रोटी और नमक धनिया के साथ मिक्स करके बांटेंगे ना दोस्तों बहुत ही मस्त रहेगा ना हाँ जी। अब बारी थोड़ा हमारी हरियाने लगी है ना हाँ जी। मेथी भी हरी आ रही इधर मेथी में कोई घुस के गया है क्या हाँ। वही कुत्ता है हमें लग रहा है कुत्ता है पूरे में घूम गए है ना तो पेड़ बहुत सारे टूट गए मेथी अभी खाने लायक नहीं है ना थोड़ा बड़ी बड़ी हो जाएगी ना फिर बाद में दोस्तों हम मेथी को तोड़ेंगे और इसका मस्त सब बहुत कुछ बनता है ना रोटी परेठा साग और भुर्रा सब कुछ बनता है तो हम सोचे थे पहले तैयार हो जाएगी लेकिन मेथी तैयार ही नहीं हुई पहले तो यही बात है ना सबसे पहले हम लोग यही बात है सबसे पहले सोचे थे पहले मेथी तैयार कर लेते हैं फिर बाद में देखेंगे फिर मेथी नहीं हुई तीन बार हमको दोस्तों तीन बार बोना पड़ा तब जाके तीसरी बार हुई ना चलो आ जाओ थोड़ी देर में शाम हो जाएगी चलो बेटी बैठो अपनी खटिया में उसको बांट लो हाँ बांट लो नमक बांट लो तुम
ठंडी ना लगेगी ना, बांट लेते हैं चले ना। बांट लो, पहले वीडियो समाप्त कर देते हैं ना, टाइम हो गया है ना दोस्तों, टाइम बहुत हो गया है और शाम हो गई है समझो, थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा। तब वीडियो को यहीं पर रोकते हैं और फिर बाद में हम लोग नमक वमक बांटेंगे, फिर आराम से खाएंगे। हाँ। अभी चूल्हा जलाएंगे, फिर उसको गर्म करेंगे रोटी को, फिर बाद में खाएंगे ना। हाँ। रोटी कितनी है? रोटी लेंगे हम। हाँ लियो भला, देखो कितनी हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी, बाद में बनाना पड़ेगा क्योंकि गर्म करके खाएंगे ना। ये देखो रोटी बहुत सारी है, हो जाएंगी। हो जाएंगी चार, हो जाएंगी, हो जाएंगी रोटी तो हो जाएंगी दोस्तों, रोटी तो हाँ काफ़ी है ना। हाँ जी। तो चलो अब बाद में हम चटनी वटनी बांटेंगे और चूल्हा जला के उसमें रोटी को भूंज भूंज करके खाएंगे, पका करके तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ना। हाँ। तो चलिए दोस्तों अब ये वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर से किसी नए वीडियो में मिलेंगे, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए दोस्तों बाय बाय।